प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में स्थित राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब इसका काफी हिस्सा बनकर तैयार भी हो गया है और जल्द ही ये पूरा भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, जिस पर पूरे देश नहीं दुनिया की ही नजरें हैं। तो वहीं बात करी जाए राम मंदिर निर्माण की, तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड राम मंदिर का निर्माण कराना चाहता है। जी हाँ, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में तो हो ही रहा है, लेकिन और भी जगह राम मंदिर का निर्माण कराना चाहता है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, जिस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जगदीश कुमार राज जी जुड़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के। और हम उनसे जानेंगे कि आखिर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के साथ साथ और भी जगह राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही इसका जिम्मा उठाया है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जगदीश कुमार राज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहला सवाल है कि जब अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बन रहा है जिस पे दुनिया की निगाहें हैं और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड और मंदिर बनाना चाहता है, राम मंदिर बनाना चाहता है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जय श्री राम। जैसे कि आपने सवाल किया है कि अगर हम बात करें श्री राम मंदिर की, तो ये तो जो श्री राम मंदिर बन रहा है वो जो बन रहा है आपका अयोध्या में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है। अब हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो है देवों के नगरी हरिद्वार में भी जो है आने वाले टाइम में जो है श्री राम मंदिर का निर्माण कराएगा। जो अभी तक क्या है कि ये तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, श्री कोई भी भव्य श्री राम मंदिर जो है उत्तराखंड में नहीं है, तो इसलिए जो है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिम्मा उठाया है कि श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण जो है हरिद्वार में कराया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है कि एक तो लोगों में हिंदू के प्रति आस्था जगाने का काम करना है, जो श्री राम के प्रति लोगों की आस्था है। दूसरी बात है, इस मंदिर का निर्माण कराने जब हो जाएगा तो जनहित में जो है श्री राम मंदिर से आने वाला जो दान होगा वो जनता के हित में ही खर्च किया जाएगा। जैसे कि अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा जिसका सीधा लाभ जो है दानदाताओं को मिलेगा, या हिंदू धर्म के लोगों को जो भी है अपना इलाज कराना चाहता है अस्पताल वगैरह बनाए जाएंगे उसके लिए किया जाएगा। फिर उन्हीं दानदाताओं के द्वारा दिए गए दान से जो है स्कूल का निर्माण कराया जाएगा, यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाएगा। यानी कि दान देने वाले लोगों के जो है आने वाले टाइम में जो है उनको अच्छी शिक्षा मिल सके उसके लिए जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाएगा, और उसमें जो है बहुत जो लोग दान देंगे उनके बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा, जिससे उनको जो है पैसे भी खर्च ना हो, कम फीस में अच्छी शिक्षा मिल सके और कामयाब हो। ये जो है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि अधिकतर क्या है लोग मंदिरों को दान देते हैं जी। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा शायद एक या दो ही मंदिर होंगे कि जिनका पैसा दान का जो पैसा है वो जनहित में खर्च किया जाता हो जी। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जब श्री राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद जो भी दान वगैरह आएगा उसको जो है जनता के हित में जो है खर्च किया जाएगा, उनके लिए अस्पताल वगैरह बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाएगा और वृद्धाश्रम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे सीधा लाभ दानदाताओं को मिलेगा जो आज के समय में और मंदिरों के द्वारा नहीं किया जाता है। मगर जो है कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो मंदिर बनाया जाएगा उसका सीधा जो है दानदाताओं को ही लाभ मिलेगा जी। और बहुत ही भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण जो है हरिद्वार जिले में कराया जाएगा जी। जगदीश जी, अगर मंदिर के स्वरूप की बात करी जाए तो जिस भव्यता के साथ जिस स्वरूप में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो क्या वही स्वरूप होगा जो कि अयोध्या के साथ साथ हरिद्वार में भी देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए जो दुनिया में ना हो। इस तरीके से जो है हम उसका नक्शा बनवाएंगे कि जो पूरी दुनिया में ना हो। और जब भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा तो लगभग देश और विदेश के 11,000 साधु संतों के द्वारा जो है
उसके मंदिर के निर्माण के लिए जो है यज्ञ वगैरह किया जाए 11,000 साधु संतों के द्वारा और लगभग 5-6 देशों की मिट्टी को लाया जाएगा। यानी कि जिस जिन जिन देशों में जो है हिंदू आबादी रहती है वहां की उन देशों से जो है कि वहां की मिट्टी को लाया जाएगा श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए, और 11 नदियों का जो जल लाया जाएगा वो वहां पे लाया जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा जो है अनुष्ठान कराने वाले पूजा पत्री के बाद ही जो है नींव रखी जाएगी श्री राम मंदिर निर्माण की। यानी कि एक ऐसा सिद्ध मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे हिंदू पर्सनल बोर्ड कर रहा है, जिससे जो है कि पूरे संसार में एक अलग ही उसकी भव्यता होगी। और दूसरी बात है, जिन लोगों की जो मान्यता होती है, जिनकी जो मनोकामना होती है, उसको इस तरीके से ऋषि मुनियों के द्वारा मतलब साधु संतों के द्वारा जो है पूजा पत्र उसको शुद्ध किया जाएगा कि उसकी इच्छाएं और मनोकामना पूरी हो। जी जगदीश जी, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बेड़ा तो उठाया है कि एक और भव्य राम मंदिर बनेगा, जिस तरह से आप उत्तराखंड के हरिद्वार में इस मंदिर को बनाने की बात कह रहे हैं, तो क्या ये आगे चल के और भी राज्यों में स्थापित किया जाएगा ऐसा राम मंदिर? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि सबसे पहले जो है उत्तराखंड में जो है श्री राम मंदिर बनाया जाएगा हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसी योजना रहती है तो हो सकता है कि हर राज्य में एक श्री राम मंदिर हो और उसका जो सीधा जो दानियों के द्वारा दान किया हुआ पैसा है उनके हित में खर्च हो, ना कि जो है कि मंदिर तो बना लिया जाता है मगर जो है उनका फिर दानियों को कहाँ लाभ मिलता है। जी। एक ऐसे मंदिर बनाने की हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड कोशिश कर रहा है कि अगर किसी ने जो है 100 रुपए दिए तो उसका 40 रुपया भी उसको रिटर्न मिल जाए, वापस मिल जाए। अगर उसको कभी कोई दिक्कत होती है, कभी कोई जरूरत होती है, तो अगर मान के चलो कि जो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अस्पताल होगा अगर वहां पर वो इलाज नहीं कराना चाहता और वो परेशान है, चाहे वो अमीर है गरीब है इससे कोई मतलब नहीं है, अगर उसने अपनी जिंदगी में 100 रुपया दान दिया तो उसका 40 रुपया भी जो है उसको वापस कर दिया जाएगा। बाकी का जो 60% पैसा वो मंदिर के सुधार में खर्च किया जाएगा, व्यवस्था में खर्च किया जाएगा, जो स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी उसमें खर्च किया जाएगा, मगर जो 40% पैसा है उसका एक रिकॉर्ड रहेगा, वो उसको उसकी जरूरत पड़ने पर जो है उसको वापस भी किया जा सकता है। जी, ये इस तरीके की विचारधारा है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के श्री राम मंदिर बनाने की। जी बिल्कुल जगदीश जी, ऐसा कहा जाता है कि जब से बीजेपी की सरकार वो केंद्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, सब जगह धर्म को बढ़ावा देने का काम कर रही है, इसके बावजूद हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कदम उठाना पड़ा, मंदिर बनाना पड़ा, क्योंकि जबकि ये भी कहा जाता है कि भाजपा सबसे ज्यादा मंदिर के निर्माण पे ध्यान दे रही है। देखिए, इस बात को तो नहीं कह सकते, भाजपा सरकार तो अपना काम कर रही है, ठीक है, वो अपना मंदिर निर्माण करा रही है। अब हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो है लोगों के हितों के लिए बनाने का प्रयास कर रहा है, एक आस्था का तो मामला है ही, ये आस्था की तो बात है, लोगों की भक्ति है श्री राम में, ऐसा भव्य मंदिर, इतनी ऊंची प्रतिमा श्री राम भगवान की लगाई जाएगी कि दुनिया में कहीं ना हो, ये प्रयास किया जाएगा कि सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बनाई जाएगी उस मंदिर के अंदर जो है। जी, ऐसे तो कई संस्थाएं हैं जो कि मंदिरों के निर्माण के लिए लोगों की आस्था से जुड़े काम करती रहती हैं, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके का कदम उठा रहा है ये किस तरह से अलग है बाकी संस्थाओं से? देखिए, ये सबसे अलग इसलिए है, एक तो जो है जो लोग दान देंगे, जो मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे, उनका कुछ पैसा उनकी जरूरत पड़ने पर उनको वापस भी किया जाए। सबसे पहली बात तो ये सबसे अलग है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की ये योजना सबसे अलग है कि जो दानदाता या जो भी दानी पैसा देगा उसके परिवार के लिए भी उसको कुछ हिस्सा जो है उसके परिवार पे भी खर्च किया जाए। ऐसी किसी किसी भी मंदिर की सरकार में योजना नहीं है कि जो उसने अगर मान के चलो किसी ने 100 रुपए या 1,000 रुपए दिया तो उसका 40% भाग जो उसको वापस मिल जाए अगर कहीं भी उसको जरूरत पड़ती है, उसको अच्छे स्कूल में या कॉलेज में उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो जरूरत पड़ने पर वो मंदिर से वापस भी ले सके और जरूरत निकलने के बाद वो वापस दे सके। ये सबसे बड़ी योजना तो यही है, क्योंकि जरूरत के टाइम पे अगर वो किसी को भी दान देता है तो व्यक्ति उसको वापस मिलने की तो संभावना नहीं होती है, मगर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो मंदिर का निर्माण करा रहा है तो उसमें ये योजना रखेंगे और जो भी दान देगा, जो भी व्यक्ति दान देगा तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किसने कितना दान दिया, तो वो उसका हिस्सा जरूरत पड़ने पर जो है वापस भी ले सकता है अपने खर्च के लिए, मतलब जरूरत पड़ने पर अपने
किसी ऐसे काम के लिए जिसमें जरूरत है, जैसे परिवार में कोई बीमार हो जाता है या किसी बच्चे की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही या कोई बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो वो पैसा उसका एक डिपॉजिट के रूप में रहेगा, वो उसको वापस भी किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी योजना हिंदू पर्सनल अकाउंट की रहेगी। जी जगदीश जी, हिंदुओं की जो आस्था है वो सभी भगवानों में, हमारे यहाँ करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिर्फ श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का विचार ही क्यों रखा? वो इसलिए बनाने का विचार, जब श्री राम मंदिर बनेगा तो सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी का मंदिर भी साथ में बनेगा। जी खाली श्री राम मंदिर ही नहीं बनेगा, हनुमान जी का भी मंदिर बनेगा, क्योंकि श्री राम जी जो हनुमान के बिना भी अधूरे रह जाएंगे, तो उसके साथ साथ जो हनुमान जी का मंदिर भी बनाया जाएगा, उनकी भी भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, उसकी भी स्थापना की जाएगी, जिससे जो है हनुमान जी में भी जिनकी आस्था है तो वो हनुमान जी में भी अपनी आस्था रखेंगे, अपनी पूजा जारी रख सकते हैं। जी और कौन कौन से देवी देवताओं को वहां पे स्थापित किया जाएगा, स्थान दिया जाएगा और क्या कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा? देखो तो उसकी ऐसी बनावट रहेगी कि संसार में किसी मंदिर की ना हो, एक तो यह रहेगा, एक टूरिस्ट के तौर पे भी अगर देखा जाए, लोग देखते हैं कि घूमने की जगह अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी भव्यता को इस तरीके से रखा जाए कि लोग देश से नहीं विदेश से भी वहां पे दर्शन करने के लिए आए, अपनी पूजा करें, अपनी मनोकामना को पूर्ण करें, मतलब इस तरीके से मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, उसकी भव्यता को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा, उसका बहुत ही जल्द जो है नक्शा बनाने की तैयारी चल रही है, नक्शा बनवाएंगे, उसके बाद जो है देखेंगे कि कहाँ अगर कोई कमी रह जाती है उसमें लोगों की राय भी लेंगे। ये नहीं है कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ही सब कुछ करेगा, उसमें लोग अपनी राय भी दे सकते हैं कि मंदिर ऐसा होना चाहिए, अपनी उसकी भव्यता ऐसी होनी चाहिए, किस तरीके से उसको बनाया जाए, अपने विचार भी रख सकते हैं, वो तो खुली एक बैठक होगी जो रहेगा, उसमें अपने विचार, हर कोई व्यक्ति अपने विचार रख सकता है जिसकी आस्था है श्री राम मंदिर में। जी जगदीश जी, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड के हरिद्वार में क्या कोई जमीन चिन्हित कर ली है, कितने वर्ग की होगी वो जमीन, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे? देखिए 50 से 50 वगैरह का किया जाएगा, जिससे पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, मतलब 30 से 50 बीघा के बीच में होगा उस मंदिर के निर्माण। जी हिंदू पर्सनल लॉ, जितनी अगर ज्यादा मिल जाएगी तो समय पे देखेंगे कितनी मिल सकती है। जी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर मौजूदा वक्त के कामों की बात करी जाए तो इस वक्त मौजूदा वक्त के काम क्या है, किन चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो है रोजगार की ही हम बात करते हैं, हिंदुओं के रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार पे आओ, अपना ऐसा कोई काम सीखो जिससे अपना रोजगार करो। देखो तो सरकार कितनों को नौकरी दे, सबको तो नौकरी दे नहीं सकती, तो इसलिए हम स्वरोजगार और रोजगार की ही बात करते हैं कि खुद का स्वरोजगार करो, अपना खुद का रोजगार पैदा करो, ना कि नौकरी मांगो। जी इस चीज पे हिंदू पर्सनल बोर्ड जो है काम कर रहा है। जी जगदीश जी, जिस तरह से बॉलीवुड को देखा जाए तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता है हिंदू देवी देवताओं पे कटाक्ष करने का, और अभी जिस तरह से कई मूवियां भी आई हैं, जिस तरह से अभी काली को लेके, फिल्म काली को लेके भी काफी विवाद रहता है, उसके पोस्टर को लेके, इन सभी चीजों को लेके हिंदू पर्सनल बोर्ड अपनी क्या राय रखता है? देखिए अभी हिंदू पर्सनल अवार्ड जो है एक या दो दिन में जो है ऐसा पोस्टर रिलीज करने जा रहा है। देखो जो लोग जो है हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे तो हिंदुओं को, सारे हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति, एक्टर की, बॉलीवुड की, क्या चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो संसार का, अगर कोई ऐसा कुछ करता है जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है, उसकी कभी भी उसको फिल्म नहीं देखना चाहिए, और हर हिंदू को आगे आना चाहिए। देखो अगर मुस्लिम धर्म की हम बात करें, अगर उनके मुस्लिम धर्म के अगर बारे में कोई कुछ भी कह देता है तो सारे मुस्लिम एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं, मगर हिंदुओं को भी जो है एकजुट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बड़े पद पे बैठा हो या छोटे पद पे बैठा हो, ये ध्यान नहीं रखना चाहिए हिंदुओं को, ये देखना चाहिए कि हमें भी आस्था पे चोट किया गया है, इसका विरोध हमें करना चाहिए जिससे आगे कोई ऐसा व्यक्ति ना करे। अगर इस फिल्म की बात नहीं कर रहे हम, किसी एक्टर की बात नहीं कर रहे, जो भी एक्टर हो चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाता है तो सारे हिंदुओं को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। खाली फिल्म देखने से ही काम नहीं चलेगा, फिल्म ना देखने से काम नहीं चलेगा, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को आगे आना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति हिंदू धर्म पर जो है उंगली ना उठाए,
जो भी है, चाहे छोटा बड़ा टुच्चा आदमी भी है, वो भी हिंदू धर्म की मजाक बना लेता है आज के समय में। मगर इसको रोकना चाहिए, हिंदुओं को आगे आना चाहिए और एक ऐसा कानून का प्रावधान होना चाहिए देश के अंदर, अगर कोई व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं की मजाक बनाता है, हिंदू धर्म की मजाक बनाता है, तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो हिंदुओं की एकजुटता के लिए आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कुछ कदम उठा रहा है हिंदुओं की एकता के लिए? किस तरह से आप सभी को एकजुट कर रहे हैं? देखिए, हिंदुओं की अगर हम एकता की बात करें तो हिंदुओं को जो है समझना चाहिए कि कौन हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, कौन हमारे हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, खाली हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है इस चीज को रोकने की। हर संगठन को आगे आने चाहिए, जो हिंदू धर्म के जितने भी संगठन है उनको आगे आने चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने की सोच भी रहा है तो उससे पहले उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, अगर पता चलता है तो, अगर ये योजना भी बना रहा है तो इसको रोकने के लिए। अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की जो है कोशिश नहीं करेगा। और हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, ये बात फिल्म की नहीं है। अगर लोग आह्वान कर रहे हैं कि बायकॉट करना चाहिए जिस फिल्म में, जिन फिल्मों में जो दिखाया गया है हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाया गया, तो ऐसे जो जिस व्यक्ति ने बनाई है ठीक है, उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, उसकी फिल्म को नहीं देखना चाहिए। जी, और जिस तरह से सावन आते ही जो रुद्राभिषेक होता है और शिवलिंग पे दुग्ध अर्पण करना होता है, इसको लेकर भी काफी चीजें वायरल होती हैं और कहा जाता है कि शिवलिंग पे दूध ना चढ़ाया जाए, भूखे बच्चों को पिला दिया जाए, ये इस तरीके के कई पोस्ट भी वायरल होते हैं और धार्मिक आस्था से जुड़ा ये एक मामला भी है। और इस बार भी सावन आते ही ऐसी कई बातें सामने आने लगी, ट्रेंड करने लगी, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर बात इसकी की जाए शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की, तो ये जो भूखे नंगे लोग है ना, जो रेडियो लेके नंगा होकर खाली रेडियो लगा के घूम रहा था एक फिल्म में एक व्यक्ति, ठीक है, तो उसको जनता को, हिंदू धर्म के लोगों को ये करना चाहिए कि उसको खाली नंगा कर देना चाहिए, वो खाली रेडियो लगा के ही अब आने वाले टाइम में घूमे। जगदीश जी, गलत बात है। ये तो आस्था का सवाल है, ध्यान रखते हुए बात करें, ये ध्यान रखने वाली बात नहीं है। जो फिल्म में दिखाया गया वो बात मैं कह रहा हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसमें दिखाया गया एक व्यक्ति नंगा होकर रेडियो लगा के घूम रहा है और हिंदुओं की आस्था में उसके साथ खिलवाड़ करके, उसकी क्या फिल्में देखनी चाहिए? हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, हिंदुओं को फिल्म नहीं देखनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का बायकॉट करना चाहिए, उसकी फिल्म का नहीं उसका भी करना चाहिए, उसको देश से निकाल देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए। खाली एक धर्म नहीं है, मजाल है कि मुस्लिम धर्म की किसी धर्म गुरु की या किसी की मजाक बनाकर रखते, खाली हिंदुओं के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है, इसको हिंदुओं को मिलकर रोकना चाहिए। भारत सरकार को ऐसा कानून बनाने की मांग करनी चाहिए, भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए, तभी इसको रोका जा सकता है। ये हिंदुओं की आस्था पे उंगली उठाने वाले लोग जो दिन ब दिन पैदा होते जा रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। हिंदुओं को मिलकर खुद कानून बनाना चाहिए, विरोध करना चाहिए ऐसे लोगों का। जी जगदीश जी, अगर बात करी जाए, जी जगदीश जी, अगर बात करी जाए बॉलीवुड की, तो इसमें कई तरह की फिल्में आती हैं, और अगर बात करी जाए अभी आने वाली एक मूवी की जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, हम दो हमारे 12, इसको देखते हुए आप क्या कहते हैं? क्योंकि इसको लेके भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस मूवी के जरिए। देखिए, बात मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के नहीं है, जब हम तो हमारे 12 की बात है तो ये बात तो हिंदुओं पे लागू होनी चाहिए, हिंदुओं को भी बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अधिकार भी मांगने की कोशिश करेंगे, जब जनसंख्या घटती चले जाएगी तो हमारे अधिकार कौन देगा? हम तो हमारे 12 वाली बात, हिंदुओं को तो सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने की जरूरत है आज के समय में, लेकिन सरकार तो जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी तो कोई भी आदमी उन्हें नहीं उठाएगा। बढ़ाई जाए जी जी, तो इसको देख के क्या कहेंगे? सरकार जितनी योजनाएं चला रही है और आप उसके विपरीत बयान दे रहे हैं। सरकार योजनाएं चला जा रही है, इसका लाभ कौन ले रहा है? हम दो हमारे 2 वाले नहीं ले रहे, हम दो हमारे 12 वाले ले रहे हैं, और सरकार उन्हीं के लिए योजना बना के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और ये बता रही है कि कम पॉपुलेशन के क्या फायदे हैं और ज्यादा पॉपुलेशन के क्या नुकसान है। और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, बल्कि आपको तो कहना चाहिए कि नहीं, सभी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, आप उल्टा ही बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
ऐसा है कि मैडम जो है हिंदू धर्म को तो हिंदू धर्म की तो जनसंख्या वैसे भी घटती जा रही है, ठीक है, तो इससे आने वाले टाइम में हिंदू भारत में भी नहीं बचेगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से हिंदुओं की मानसिकता जो हो गई, हम तो हमारे दो वाले बच्चे हो गए, ठीक है, तो उनकी मानसिकता की वजह से आज देखो कितनी घटनाएं घटती है, जिसके बच्चे कम है उस पर कब्जा कर लेते हैं 12 वाले भी, और दो वाले पिट लेते हैं, दो वाले हथियार लेकर भी बैठेंगे तो क्या होगा। जी तो हिंदुओं की जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो क्या गुंडागर्दी कम होगी या और बढ़ जाएगी? गुंडागर्दी कम होने की बात नहीं है, अधिकारों की बात है, ठीक जी है, कोई छीना झपटी तो नहीं करेगा उनका, आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर हिंदुओं की जनसंख्या कम होगी तो 12 वाले छीन लेंगे, ज्यादा जनसंख्या होगी रात की तो बात तो सबको दूर शिक्षा कैसे मिलेगी, अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? जगदीश जी अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, भरपेट भोजन कैसे मिलेगा, सभी सुविधाएं कैसे मिलेगी, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति तो एक होता है लेकिन अगर 12 बच्चे होंगे तो उनको मूलभूत सुविधाएं कैसे मिलेंगी, इस बात के ऊपर भी तो गौर मैडम करिए। अगर 12 बच्चों की बात करे जाए तो 12 बच्चों वालों के पास 12 कारें हैं, हिंदुओं के पास मोटरसाइकिल भी वो टूटी हुई है, जो पुरानी खटारे गाड़ियों पर चल रहे हिंदुओं के बच्चे, दो वाले भी जिनकी बात करते हैं शिक्षा वाले, और आज 12 बच्चे वाले भी एक डॉक्टर एक इंजीनियर एक मैकेनिक एक सब कुछ तो उनके पास है, भैया दो वालों के पास नहीं है, दो वाला आज भी क्या चार्जिंग रिक्शा चला रहा है, आपको लखनऊ में भी मिल जाएंगे तो हजारों मिलेंगे, ये दो वाले और 12 वाले बच्चे स्मार्ट गाड़ी लेके स्मार्ट लड़की बिठा के रोड पे घूम रहा होगा, उस पर कोई उम्र नहीं उठाएगा, सिर्फ दो बच्चे वालों पे उम्र उठाएंगे। जी जगदीश जी आप राय तो अच्छी दे रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, 12 बच्चे करने चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि एक सामान्य वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसके 12 बच्चे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा कैसे देगा, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनाएगा, क्योंकि जो आज के समय की शिक्षा है वो काफी महंगी हो चुकी है, खिलाएगा क्या, कैसे पढ़ाएगा, कैसे कार और कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे बच्चे, क्या सब अच्छा मजदूरी ये करेंगे, सवाल आप क्या मजदूरी करेंगे, उनका भविष्य आगे लेकर मार्केट में जाना, ठीक है, और ये 12 बच्चे वालों से पूछ रहा है कि आप कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हो, इतनी अच्छी गाड़ी में टहल रहे हो, इतनी अच्छी पार्टियां कर रहे हो, इतने अच्छा कारोबार कर रहे हो, ये सवाल होना, आप आईडी लेकर जाना, माइक आईडी लेकर जाना चैनल पे, आप सवाल करना, वो बताएंगे आपको किस तरीके से किस सिस्टम से काम कर रहे हैं, ये दो वाले की बात कही है तो इसका सिस्टम इतना खराब है कि उसको खुद को पता नहीं होता कि क्या करना है उसको। जी यहाँ तो 50 साल का बूढ़ा आदमी भी लल्ला बना डल रहा है हिंदुओं में, जी जगदीश जी उसके हिंदू पर्सनल माँ लोगों तो की यही तरफ चल रहे से कि आप लल्ला घूमने जनता को क्या गया। संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप राम मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जनता को देखो इतनी जनसंख्या बढ़ाए रखना चाहिए जनता को हिंदुओं को कि आने वाले टाइम में जो है उन पर कोई कब्जा ना कर सके, अगर किसी तरफ से 4 डंडे निकल रहे हैं तो कम से कम 3 तो निकालना है, अब ऐसा नहीं है कि इधर से 12 आ रहे हैं एक भी नहीं निकल पा रहा तो क्या होगा, जी सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जनसंख्या जी हिंदुओं को बढ़ानी चाहिए आज के हिसाब से, आज के माहौल को देखते हुए जो है जनसंख्या बढ़ानी चाहिए हिंदुओं को। जी मंदिरों को लेके क्या संदेश देंगे जगदीश जी, जिस तरह से मंदिर मंदिरों बन को रहे क्या हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदुस्तान में मंदिरों का निर्माण होना चाहिए, चाहे वो सरकार कराए या संगठन कराए, जी जिस तरीके से कोने कोने में मस्जिद है वैसे हर घर में मंदिर होना चाहिए, हर गली में होना चाहिए, जी बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज्यादा मंदिर होगा उतनी ज्यादा आस्था होगी लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगदीश जी, और अपनी बातों को रखने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ जगदीश जी थे जो कि हिंदू लॉ पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपनी बात भी रखी, जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है उसी तर्ज पर वो उत्तराखंड में उत्तराखंड की देवभूमि में, और बात करी जाए अगर स्थान की तो हरिद्वार में वो भव्य राम मंदिर बनाना चाहते हैं, और उन्होंने हिंदुओं की एकजुटता के लिए भी कई कदम उठाए हैं और साथ ही साथ जनता को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो एकजुट हो और हिंदुत्व को बढ़ाएं। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही, आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।